हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पुराने कपड़ों से बना हुआ डोरमेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आइए हम इसे बनाना सीखें। आज ये वाला मैं डोरमेट सिखाने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने ये 20 फिंदे डाल रखे हैं और इतना बना लिया है। ये 6 कली का बनेगा, ये 3 कली बन चुकी हैं। आप चौथी कली देखिएगा, ये इसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया है। ये सिलाई हमारी ऐसी ही जाएगी। ये पट्टी मैं लपेटती हुई आ रही हूँ इसलिए छोटे नहीं। ये पूरा एक सिलाई उल्टे उल्टा ले जाएंगे। ये भी सीधी सिलाई मैं उल्टे उल्टा ले जाऊंगी इस तरह से। ये सारे फिंदे हम इसी तरह से 20 फिंदे बिन लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम एक फिंदा बढ़ा लेंगे और इसको बुन लेंगे। अभी हम पूरी सिलाई इसी तरह से ले जाएंगे इसको और यहाँ पे बगैर बुने हुए 2 फिंदे छोड़ देंगे। ये देखिएगा, 2 हमने फिंदे छोड़ दिए हैं और पलट लिया है इसको। ये अब इसी तरह से एक एक फिंदा हम ऊपर बढ़ाएंगे और 2-2 फिंदे हम नीचे बगैर बुने हुए छोड़ेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम फिंदे को बढ़ाएंगे और 8 फिंदे बढ़ाएंगे। 2 बढ़ा लिए हैं हमने और एक फिंदा हम इस तरह से इसमें से बुनेंगे। अब यहाँ से मैं डिजाइन डालूँगी ये दूसरे पट्टी को लेके। ये भी इसी तरह से हम ले जाएंगे पूरी। यहाँ पे हम 2 फिंदे और छोड़ देंगे, बाकी फिंदे हम इस वाली पट्टी से बिन लेंगे। ये देखिएगा, अब 4 फिंदे हमारे पास ये ग्रीन के हो गए हैं और 4 ही फिंदे हम इसके करेंगे। ये दूसरी सिलाई इसकी निकल रही है, 4-4 फिंदे, 4-4 सिलाई निकाली जाती है इसमें। और ये देखिएगा, ऊपर की साइड पे बाकी फिंदे हम ये ग्रीन से बनेंगे और ग्रीन ही से हमें बढ़ाने हैं ऊपर की साइड पे। इसी तरह से हमने ये 3 फिंदे बढ़ा लिए हैं। जब हम 8 फिंदे बढ़ा लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा, ऊपर की साइड पे मैंने 8 फिंदे बढ़ा लिए हैं और हमने यहाँ तक उतार लिया है। अब हमारे पास बगैर उतरे हुए 3 फिंदे बचे हुए हैं और अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या करना है। यहाँ से अब हम ऊपर की साइड पे कोई फिंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ बुनेंगे। ये 2-2 फिंदे छोड़ते आएंगे और बुनते आएंगे। ये ऊपर हमारे पास 4 फिंदे रह जाएंगे इसी तरह से, तब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, हमने यहाँ से ये ग्रीन के सारे फिंदे उतार लिए हैं, ये 4 बाकी हैं। अब इनको हम चारों को इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिएगा, 4 को बुन के फिर इन 2 को और बुन लेंगे, फिर पलट लेंगे सिलाई को, इस तरह से बुन लेंगे। ये इसी तरह से हम बुनेंगे 2-2 फंदे करके। ये देखिएगा, मेरे पास ये लास्ट के फंदे ये 2 बचे हुए हैं। ये इस तरह से फिर पलट लेंगे सिलाई को। ये देखिएगा, हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे तो ये बढ़ाए हुए फिंदे हमने सारे बुन लिए हैं। अब यहाँ से मुझे 1-2 करना है। यहाँ पे हमें ऊपर की साइड गुलाई लेनी होती है इसलिए हम ये फिंदे बनाते हैं।
अब हमें आठ फंदे घटाने होंगे दो का एक करके और नीचे की साइड पे हम बढ़ते जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा जिस तरह से ये तीन फंदे हमारे पास ग्रीन बचे हुए थे अब ग्रीन नहीं हैं। और अब मैं इससे बिनूंगी ये वाला कलर, ये तीन फंदे इससे, और फिर ये जो ब्लैक के हैं तो दो दो फंदे करके हम ऊपर की साइड बढ़ाएंगे। ये दो बना लिए, सिलाई पलट लिया, ये इस तरह से बनेगा। अब ग्रीन लगा लेंगे ऊपर की साइड पे, जब तक हम ये फंदे नहीं घटा लेंगे तब तक ये ग्रीन चलता रहेगा ऊपर की साइड पे। ये देखिएगा दो का एक कर रहे हैं हम। इसी तरह से हम ये छह फंदे और रह गए मेरे पास, दो घट गए हैं, इसी तरह से छह फंदे हम घटा लेंगे। ये देखिएगा इसी तरह से कली बनती जाएगी। ये इधर से नीचे साइड पे हमने बनाया था नीचे के, अब ऊपर साइड चल रहा है तो ये ऊपर की साइड से इस तरह से होएगी। अब ये ग्रीन वाला यहाँ पे आ जाएगा तो ये ग्रीन वाले हो जाएंगे। इस तरह से कलियाँ कलियाँ सी बनती चली जाएंगी। इसी तरह से ये